डियर स्टूडेंट आई एम संजय कुमार जाटव असिस्टेंट प्रोफेसर एट एम बी डी गवर्नमेंट कॉलेज कुशलगढ़ बांसवाड़ा टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट द थीम्स ऑफ द फेमस प्ले द मर्चेंट ऑफ बेनिस विच इज़ रिटेन बाई विलियम शेक्सपियर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर ड्यूरिंग द एज ऑफ एलिजाबेथन पीरियड प्रिय छात्रों में संजय कुमार जाटव सहायक आचार्य अंग्रेज़ी आज आपको प्रसिद्ध नाटक द मर्चेंट ऑफ वेनिस की मुख्य विषय वस्तुओं के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ द मर्चेंट ऑफ वेनिस शेक्सपियर द्वारा लिखा गया एक प्रसिद्ध और लोकप्रिय नाटक है और शेक्सपियर जो कि अंग्रेजी साहित्य के महानतम नाटककारों में से एक हैं एलिजाबेथन काल के ये ऑथर हैं लेखक हैं नाटककार हैं तो द मर्चेंट ऑफ वेनिस की नेक्स्ट थीम है द डिवाइन क्वालिटी ऑफ मर्सी डिवाइन क्वालिटी ऑफ मर्सी मर्सी मीन्स दया डिवाइन दैवय क्वालिटी गुण दया एक दैवीय गुण है ये दूसरी थीम है द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन शाइलॉक एंड द क्रिश्चियन कैरेक्टर्स कम टू एड ओवर द इश्यू ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट जो संघर्ष है बिटवीन शाइलॉक शाइलॉक और क्रिश्चियन कैरेक्टर्स ईसाई पात्रों और यहूदी पात्र शाइलॉक के बीच में जो तनाव है कॉन्फ्लिक्ट यानी संघर्ष है कम्स टू हेड ओवर द इशू ऑफ मर्सी अंत में आकर वो दया के मुद्दे पर रुकता है द अदर कैरेक्टर्स एक्नोलेज दैट द लॉ इज़ ऑन शाइलॉक साइड द अदर कैरेक्टर्स नाटक के अंदर और भी जो भी पात्र थे बसेनियो पोर्सिया लॉन्ड गोवो जैसिका नैरसा जितने भी पात्र थे एक्नोलेज उनको ये भली भांति ज्ञान था पता था दैट द लॉ के जो नियम है या कानून है इज ऑन साइलॉक साइड वो साइलॉक की तरफ है नियम के तहत साइलॉक सही है बट दे आल एक्सेप्ट हिम टू शो मर्सी लेकिन वो सारे पात्र शाईलॉक से दया दिखाने की अपेक्षा रखते हैं दया दिखाने की उम्मीद रखते हैं विच ही रिफ्यूज टू डू जिसको कि वो दिखाने से मना कर देता है यानी शाइलॉक दया दिखाने का कोई सवाल ही नहीं शाई के मन में वन ड्योरिंग द ट्रायल जब कोर्ट में ट्रायल चल रहा है उस ट्रायल के दौरान शाइलॉक आस्क पोर्सिया वॉट कुड ईजीली वॉट कुड पॉसिबली कॉम्पेल हिम टू बी मर्सीफुल शाइलॉक पोर्सिया से पूछता है कि वॉट कुड ऐसी कौन कौन चीज़ है जो पॉसिबली कॉम्पेल हिम जो मुझे वैध कर सकती है टू वी मर्सीफुल दयावान बनने के लिए वैध कर सकती है ऐसी कोई चीज़ है ऐसा क्या है पोर्सियाज लॉन्ग रिप्लाई इसके जवाब में पोर्सिया ने एक बहुत लंबा उत्तर दिया विगिनिंग विद द वर्ड्स इन शब्दों को शुरू करते हुए द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंज कि जो दया का गुण है इज नॉट स्ट्रेंड ये अर्जित नहीं किया जाता ये पाया नहीं जा सकता क्लैरिफाइज इससे स्पष्ट होता है कि वॉट इज़ एट स्टेक इन दर्ग्यूमेंट कि व्हाट इज़ एट स्टेक इन दर्म के तर्क किसके ऊपर हैं तर्क किसकी खातर हैं ह्यूमन बींग शुड बी मर्सीफुल इंसानों को दयावान होना चाहिए बिकॉज़ गॉड इज़ मर्सीफुल क्योंकि ईश्वर खुद दयावान है मर्सी इज एन एट्रीब्यूट ऑफ गॉड हिमसेल्फ क्योंकि दया जो है स्वयं ईश्वर द्वारा प्रदान किया गया गुण है एंड देयर फोर और इसीलिए ग्रेटर देन पावर मजेस्टी और लॉ इसीलिए दया कहीं मायने में पावर शक्ति मैजेस्टी वैभव और लॉ नियम इनसे कहीं ज़्यादा बड़ा है पोर्सियाज अंडरस्टैंडिंग ऑफ मर्सी इज बेस्ड ऑन द वे क्रिश्चियन इन शेक्सपियर टाइम अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन द ओल्ड एंड न्यू टेस्टामेंट्स पोर्सियाज अंडरस्टैंडिंग ऑफ मर्सी पोर्सिया की दया के बारे में जो समझ है इज बेस्ड वो आधारित है ऑन द वे इस तरीकों पर क्रिश्चियन एंड शेक्सपियर टाइम कि जो शेक्सपियर के समय में जो ईसाई थे अंडरस्टूड वो समझ गए थे द डिफरेंस उस अंतर को बिटवीन द ओल्ड एंड द न्यू टेस्टामेंट जो कि पुराना और नए जो टेस्टामेंट था बाइबल था उसके बीच में शेक्सपियर के समय के जो यहूदी वो क्रिश्चियन थे ईसाई थे वो इस बात को भले भांति समझ चुके थे अकॉर्डिंग टू द राइटिंग ऑफ सेंट पॉल इन द न्यू टेस्टामेंट अकॉर्डिंग टू द राइटिंग सेंट पॉल के लेखन के अनुसार इन द न्यू टेस्टामेंट न्यू टेस्टामेंट में सेंट पॉल के लेखन के अनुसार द ओल्ड टेस्टामेंट गॉड एज रिक्वायरिंग स्ट्रिक्ट एडरेंस टू रूल्स द ओल्ड टेस्टामेंट गॉड ईश्वर को इस प्रकार से चित्रित करती है एज रिक्वायरिंग स्ट्रिक्ट एडहरेंस टू रूल जिसमें कि ईश्वर नियमों को पूरी तरह से मानते हैं एंड एग्जैक्टिंग हार्स पनिशमेंट फॉर दोज हुई और उन व्यक्तियों को कठोर से कठोर पनिशमेंट दंड देने का प्रावधान रखते हैं फॉर दो जू हिस्ट्री जो ईश्वर के नियमों का उल्लंघन करते हैं जबकि द न्यू टेस्टामेंट न्यू टेस्टामेंट के अंदर बाइबल के नए टेस्टामेंट के अंदर इन कॉन्टास्ट इसके विरोध में एम्फेसाइजेज इस बात पर जोर दिया गया है एडहरेंस टू द स्प्रिट आत्मा की आत्मा की सत्ता रेदर देन द लेटर ऑफ द लॉ बजाय नियमों का पोर्टरिंग ए गोड हु फोर गिव्स इसमें न्यू टेस्टामेंट में ईश्वर को इस प्रकार से चित्रित किया गया है हु फोर गिव्स जो कि क्षमा करता है रेदर देन पनिशेज बजाय दंड देने के एंड ऑफर्स और देता है सालवेशन मुक्ति या मोक्ष टू तो दोज फॉलोअर्स हुर गे बदर उन अनुयायियों को जो दूसरों को माफ करते हैं यानी कि न्यू टेस्टामेंट के अनुसार ईश्वर को इस प्रकार से चित्रित किया गया है कि ईश्वर उन लोगों को मोक्ष या मुक्ति प्रदान करता है जो दूसरे लोगों को दया दिखाते हैं दूसरे लोगों को क्षमा करते हैं ऐसे लोगों को स्वयं ईश्वर मोक्ष प्रदान करते हैं जबकि ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर क्या था कि तो ईश्वर नियम और कानूनों ईश्वर के नियम कानून ये सब कैसे सख्त हैं एकदम कड़े हैं और जो व्यक्ति इन नियम और कानूनों का उल्लंघन करता है इनकी अवज्ञा करता है ईश्वर उसे पनिश करते हैं उसे दंड देते हैं इसके विरोध में न्यू टेस्टामेंट में ये था कि ईश्वर क्षमा करता है और जो दया है मर्सी वो ईश्वर द्वारा प्रदत्त एक दैवीय गुण है दस इस प्रकार वेन या वानस साइलॉक अगेंस्ट परसुइंग द लॉ विदाउट रिगार्ड फॉर मर्सी इस प्रकार जब पोर्सियाँ चेतावनी देती है साइलॉक को अगेंस्ट परसुइंग द लॉ उस नियम को पकड़ने के में विदाउट रिगार्ड फॉर मर्सी जो कि बिना दया पर आधारित है शी इज़ प्रमोटिंग वॉट एलिजाबेथन क्रिश्चियन बोड हैव सीन एज ए प्रो क्रिश्चियन एंटी जुइस एजेंडा शी इज़ प्रमोटिंग तो वो इस बात को प्रमोट कर रही है इस बात की ओर इशारा कर रही है कि वॉट एलिजाबेथन क्रिश्चियन जो एलिजाबेथन पीरियड के दौरान के जो ईसाई थे बोड हैव सीन एज प्रो क्रिश्चियन उन्होंने पहले जो क्रिश्चियन थी वो कैसी थी एंटी जूस एजेंडा की थी द स्ट्रक्चर ऑफ रनेशेंस ड्रामा डिमांडेड दैट शाइलॉग बी ए ब्लैंड और रेनेशंस पुनर्जागरण के दौरान के जो नाटक थे वो इस बात को डिमांड करते हैं इस बात की मांग करते हैं दैट शाइलॉग वी ए ब्लैंड के शायलॉग को क्या होना चाहिए एक खलनायक होना चाहिए एंड एज सच और ठीक इस प्रकार पेटेंटली अनेबल टू शो ईवन ए ड्रॉप ऑफ फॉर फोर इजेन इसीलिए उसको अपने शत्रुओं के प्रति थोड़ा बहुत भी दया भाव नहीं दिखाना चाहिए ए सिक्सटीन सेंचुरी ऑडियंस वुड नॉट एक्सपेक्ट शायलॉग टू एक्सरसाइज मर्सी दे आर फोर सोलहवीं शताब्दी के एक श्रोता या रीडर या पाठक दर्शक वुड नॉट एक्सपेक्ट शायलॉग शायलॉग से ये अपेक्षा नहीं रख सकते टू एक्सरसाइज मर्सी के बहुत दया दिखलाए दियर फोर इसीलिए इट इज़ अप टू द क्रिश्चियन टू डू शो ये केवल और केवल क्रिश्चियन पर है बंसी हैज टर्न शायल ग्रेटेस्ट बीपन एक बार उसने जब शाइलॉक का जो महंतम बीपन हथियार द लॉ जो नियम है अगेंस्ट हिम उसके प्रति पोर्सिया हैज द अपॉर्चुनिटी टू तो गिव फ्रीली ऑफ द मर्सी फॉर विूटिफुलसिया हैज़ द अपॉर्चुनिटी इसलिए पोर्सिया उस अवसर को पाती है टू गिव फ्रीली ऑफ द मर्सी के दया को स्वतंत्र रूप से दिया जाए फोरवी सी शो ब्यूटिफुली एडवोकेट्स जिस दया की वो इतने सुंदर तरीके से एडवोकेट्स करती है जिस दया के बारे में इतने प्यारे तरीके से वो तर्क रखती है एंड स्टेड सी बैक साइलॉक इन टू ए कॉर्नर बजाय सी वैक्स शायलॉक वो शाइलॉक को एक कॉर्ने में ले जाती है वी सी स्ट्रिप्स हिम ऑफ इस बॉन्ड जहाँ वो कहती है कि तुम इस बॉन्ड को फाड़ दो हिस स्टेट अपने उसके साम्राज्य को एंड इस डिग्निटी और उसकी वैभव को फोर्स हिम हिम टू नील एंड बैग फॉर मर्सी और उसके घुटनों पर पड़ जाती है एंड बैग फॉर मर्सी दया की मांग करते गिवन दैट एंटोनियो डिस नोट टू सी शायलॉक गुड्स एज पनिशमेंट गिवन दैट एंटोनियो डिसाइड्स एंटोनियो डिसाइड करता है नॉट टू सीज शाइलॉक गुड्स के शाइलॉक की जो प्रॉपर्टी है और उसके मान उसको सीज नहीं पकड़ा जाए एज पनिशमेंट फॉर कॉन्सप्राइंग अगेंस्टिंग जो पनिशमेंट बतौर पनिशमेंट के जो उसने एंटोनियो को षडयंत्र रचा मारने के लिए वी माइट इट कंसिडर एंटोनियो टू बी मर्सीफुल हम एंटोनियो को भी काफी दयावान कंसीडर मान सकते हैं बट वी मे आल्सो क्वेश्चन वेदर इट इज मर्सीफुल टू रिटर्न टू साइलॉग हाफ ऑफ हिज गुड्स बट वी मे ऑल्सो क्वेश्चन लेकिन हमारे यहाँ एक प्रश्न उठता है वेयर इट इज मर्सीफुल कि क्या ये वाकई में दयापूर्ण कह रहा था टू रिटर्न टू साइलॉग हाफ ऑफ हिज गुड्स उसको केवल और केवल आधी चीज़ें उसकी लौटाना ओनली टू टेक अवे इज रिलीजन एंड इज प्रोफेशन केवल और केवल उसका धर्म और उसका व्यवसाय वापस लौटना बाई फोर्सिंग शायलॉग टू कन्वर्ट शाइलॉग को बदल करके फोर्सिंग फोर्स यानी बलपूर्वक बदल करके एंटेनियो डिसम फ्रॉम प्रैक्टिसाइजिंग असरी एंटोनियो उसको सूदखोरी से मुक्त करता है वायल अकॉर्डिंग टू शाइलॉग रिपोर्ट जबकि शायलॉक की सूचना के अनुसार बाज एंटोनियोज प्राइमरी रीजन फॉर बी रेटिंग एंड स्पिटिंग ऑन हिम इन पब्लिक क्या था एंटोनियो का जो प्रमुख रीजन क्या था फॉर बी रेटिंग एंड स्पिटिंग एंटोनियो ने और पब्लिक के सामने सार्वजनिक रूप से शाइलॉक के ऊपर थूक दिया था एंटोनियोज कंपैशन एंटोनियो की दया देन सिम्स टू स्टैम एज मच फ्रॉम सेल्फ इंटरेस्ट एज कंसर्न फॉर इज फैलोमैन ऐसा लगता है जैसे एंटीनियो स्वयं के सेल्फ इंटरेस्ट आत्म आत्माुचि के कारण दया दिखाता है मर्सी एज डिलीवर इन द मर्चेंट ऑफ बेनिस नेवर मैनेज टू बी एज स्वीट सेल्फलेस और फुल ऑफ ग्रेस एज पुर्सिया प्रजेंटेड तो जो मर्सी दया डिलीवर्ड इन द मर्चेंट ऑफ मैनिस इस नाटक द मर्चेंट ऑफ़ मैनिस के अंदर जो डिलीवर की गई है प्रदान की गई है नेवर मैनेजेज टू बी ए स्वीट ना तो वो इतनी मधुर दिखाई देती है ना ही सेल्फलेस ना ही निःस्वार्थ दिखाई देती है और फुल ऑफ ग्रेस ना ही वो फुल ऑफ ग्रेस वैभव से परिपूर्ण होती है एज पोर्सिया प्रजेंटसेड जैसा कि पुर्सिया ने इसको प्रस्तुत किया था तो ये मरसी इस नाटक की एक दूसरी थीम है आज के लिए इतना ही थैंक यू यू आर द मोस्ट वेलकम गुड बाय